सभी को हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम शोभना दवे और मैं माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र श्री राम स्मृति उपवन में समय दे रही हूँ। आहार हमारे जीवन का मुख्य आधार है। पौष्टिक तत्व और शक्ति से भरपूर सात्विक आहार हमारे तन और मन को स्वस्थ रखता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जो अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करे और स्वस्थ व निरोग रखे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अमोघ और स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटी और उसका जूस कैसे बनाया जाए उसकी जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वो है गेहूं का ज्वारा, जिसको जीवन का अमृत भी कहते हैं और उसको ग्रीन ब्लड कहा जाता है। इसका अन्वेषण करने वाली महिला डॉक्टर एन बिगमोर कहती हैं कि गेहूं का ज्वारा सर्व रोग नाशक और सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा देने वाला है, जिससे हमारे सारे रोग दूर हो सकते हैं और यह वनस्पति हमारे शरीर में नए कोष बनाती है और जिससे कैंसर जैसी महामारी भी दूर हो सकती है। उसको ग्रीन ब्लड कहते हैं क्योंकि हर वनस्पति में वैसे तो हरा रंग वाला क्लोरोफिल नाम का तत्व रहता है, लेकिन ज्वारा में जो तत्व है क्लोरोफिल, वह मनुष्य के खून से 40% मेल खाता है और इसलिए उसको ग्रीन ब्लड कहते हैं और वह हमारे शरीर के लिए अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, नए कोषों का निर्माण करने वाला और स्वास्थ्यवर्धक है। ये ज्वारा उगाना और उसको नियमित पाना, वो वैसे तो एक झंझट जैसा लगता है, लेकिन यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और परम आदरणीय सद्य डॉक्टर साहब के संकल्प से बना हुआ श्री राम स्मृति उपवन और उसमें माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र है, वहाँ वह औसत मूल्य में नित्य उपलब्ध होता है और उससे लेने से स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहता है और जिसको रोग है वो निरोग हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं ज्वारा कैसे बनता है। उसका खेत में से लेकर के गेहूं बोने से लेकर के जूस निकालने तक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं 7 से 8 इंच का हरा गेहूं का ज्वारा काट करके उसको धो करके उसको जूसर में हम रखते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी ले करके फिर मिक्सर चलाते हैं और उसको फिर छान लेते हैं। तो ये गेहूं का ज्वारा रस के रूप में हमें उपलब्ध हो जाता है और नित्य प्रति 150 से 200 ml खाली पेट लेना होता है और कम से कम 30 से 40 दिन आप प्रतिदिन लेते रहेंगे कंटिन्यूअस, तो उसका फ़ायदा आपके शरीर के ऊपर आपको पता चलेगा कि कैसे वो हमें स्वस्थ रखता है, कैसे हमारे सारे रोग दूर होते हैं। जैसे हम लोग ने भी यहाँ अन्वेषण किया है, उसमें हीमोग्लोबिन जो खून में रक्त का एक तत्व है वो कम हो जाता है तो रक्त संबंधित रोग आते हैं। तो ये 10-15 दिन में ही बहुत ही जल्दी नॉर्मल और अच्छे रेंज में आ जाता है। आइए देखते हैं उसको लेने से सबका क्या अनुभव है। मैं 2 महीने से पी रही हूँ, मेरे शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई थी तो अभी ठीक हो गया है मुझे और फायदा हो रहा है। जब से स्मृति उपवन का निर्माण हुआ है
मैं यहाँ की सेवाओं का लाभ लेता रहता हूँ और बहुत सारे यहाँ के जो स्वास्थ्य ड्रिंक्स है, हेल्थ ड्रिंक्स है, उसका हमने लाभ लिया है, स्वास्थ्य लाभ लिया है। जैसे ये ज्वारा है, ग्रीन ब्लड जिसको बोलते हैं, तो पहले भी हमने लगभग इसको लगातार 3-4 महीने तक लिया था और विशेष रूप से वाइफ का हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, लगभग 5 के आसपास हो जाता था, तो उसमें हमने और भी चिकित्साएं की, जैसे आयुर्वेद की दवाइयां हैं या अनार वगैरह है, अनार भी मैं यहाँ से अनार का जूस ले जाता था, तो वो भी किया। लेकिन उसके साथ साथ इसको लगातार 3 महीने तक ज्वारे के रस को पिया, लगभग 7 के आसपास आ गया था। उसके बाद फिर से जब डाउन हुआ था तब फिर से अभी पिछले 3-4 महीने से लगातार इसको ले रहे हैं और हीमोग्लोबिन लगभग 9 के आसपास है और मैं भी इसको लेता हूँ तो मुझे भी पीते ही बहुत ही अच्छा फील होता है, क्लिनजिंग हो जाता है शरीर में और एक चुस्ती तुरंत आ जाती है, तुरंत ही इस पीने से अच्छा महसूस होता है। तो दिन में लगभग 1 गिलास हम पीते हैं और अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो दिन में 2 गिलास भी पी सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अप्रैल से ज्वारा पी रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।